पंचायत राज चुनाव संपन्न होने के साथ ही अब पंचायत समिति व जिला परिषद चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। खाजूवाला विधायक गोविंद राम मेघवाल आज जनता से रूबरू हुए तथा टिकटों को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच काफी देर तक मंथन चलता रहा। अनेक ग्राम पंचायतों से पहुंचे लोगों से विधायक गोविंद राम मेघवाल ने अलग अलग वार्डों के लोगों से रूबरू होते हुए आवेदन के लिए इन आवेदनों पर मंथन करने के बाद टिकटों का वितरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। जिला परिषद व खाजूवाला विधानसभा के दोनों पंचायत समितियों में इस बार कांग्रेस का एक तरफा माहौल है। खाजूवाला गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि पूगल व खाजूवाला पंचायत समिति में कांग्रेस का ही वोट बनेगा। आप जानते हैं कि राजस्थान सरकार ने पहले सरपंचों के चुनाव कराए क्योंकि कोरोना महामारी है, इसमें डिस्टेंस रखना जरूरी है, और अब पंचायत समिति और जिला परिषद की घोषणा हुई है। हमारा खाजूवाला और पूगल पंचायत समिति जो है ये तीसरा चरण 1 दिसंबर, उस संबंध में मैंने अभी कार्यालय में मीटिंग बुलाई है और हम उसी संबंध में चर्चा कर रहे हैं। हम विकास के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह हिंदू मुसलमानों को आपस में झगड़ाने की कोई नीति नहीं अपनाएंगे। अभी जो देश है वो बहुत ऐसे दौर से गुजर रहा है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जिस तरह से लोगों को आपस में झगड़े करवा के जाति और धर्म के नाम पर हिंसा करवा कर जो एक माहौल क्रिएट किया है, हम उस माहौल के विपरीत बात करते हुए हम चाहते हैं देश में भाईचारा रहे, सभी लोग मिलकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर के शांति से आगे बढ़ेंगे तभी देश का विकास होगा। तो हमने पिछली बार ही आप जानते हैं कि खाजूवाला एक में ही ये 15 वार्ड थे तो उसमें 11 वार्ड कांग्रेस ने जीते, 1 निर्दलीय और 3 BJP के, उसमें प्रधान लायक उम्मीदवार ही नहीं जीता था। और आज भी यही हालात होने वाले हैं।